सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उसका दबाव बनाना, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। लोकसभा चुनाव आने को है और अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि किसानों पर सरकार और पुलिस जबरन अत्याचार कर रही है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर हर परीक्षा का पेपर लीक कराया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार को किसानों की समस्या सुननी चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर तरह का दबाव बनाएगी, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट करेंगे, उन पर दबाव काम नहीं करेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुने। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है, विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उसका दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई, लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे, और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती, आज तो डायलॉग चल रहे हैं अखबारों में, देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान है, पुलिस भर्ती, आरओ और दूसरी वाली जो नौकरी निकली है उसके भी छात्र नौजवान चाहते हैं कि ये पर्चा दोबारा हो, री एग्जाम हो। आखिर सरकार कर क्या रही है, जब इतना इंतजाम करती है सरकार तब पेपर लीक हो रहा है, और फिर अपने से बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। छापने वाला कौन है, छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है, किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं, एक प्रोसीजर लेट डाउन प्रोसीजर है, क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? तो सीधा आरोप है कि सरकार के लोग ही शामिल है जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर, ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। तो इसके पीछे मंशा क्या होगी सरकार की? सरकार की नीयत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें, नौकरी देनी पड़ेगी तो उसके लिए उन्हें बजट देना पड़ेगा, बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं, और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल कर रही है, कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। तो छात्र नौजवान जो गरीब है वो जमीन बेच करके या अपना किराए पर लेकर के उधार लेकर के पैसा तब नौकरी के लिए आया है, फॉर्म भरा उसने, और सरकार ने कितनी नौकरियां दी होंगी अभी तक, और अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा, अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा, जहां लाखों लाख नौजवानों को साल में नौकरी मिलती थी, उस नौकरी को क्यों रोका इन्होंने? बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये कोई पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले 2021 में उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा लीक हुई थी। 28 नवंबर को एग्जाम आयोजित होने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक हो गया था। कुछ दिन बाद परीक्षा रद्द हुई और बाद में इस परीक्षा को दोबारा कराया गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहिए जनहित टाइम्स।